अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए आज मैं बना रही हूँ सेम की फली 1 किलो और 1.5 किलो आलू ले ली मैं, और 1.5 किलो टमाटे है, 1.5 किलो प्याज है। मैं आगे आगे प्रोसीजर इसमें क्या क्या है डालने का है, कैसा बनाना है आपको आगे आगे बताऊंगी। मेरे साथ चलिए और पूरी रेसिपी को देखिए, वॉच करिए फुल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चूल्हे पे कुकर रख ली, देखिए गर्म हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मीठा तेल। मीठा तेल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज को कट करके रख लिए। देखिए इसका कलर चेंज होने तक अपन इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में। इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन। एक चम्मच अदरक लहसुन इसके अंदर मैं कट करके रख ली। देखिए टमाटे, उसको ऐड कर दूंगी। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक ऐड करूंगी छोटे चम्मच से 2 चम्मच। टमाटे और प्याज को अच्छे से गलने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। एक गिलास पानी है, देखिए। गलने के लिए सीटी लगा दूंगी। देखिए 2 से 3 सीटी हो गई, मैं इसको निकाल ले रही हूँ। देखिए मैं इसके अंदर अब फली ऐड कर रही हूँ। फली को धोकर रख लिए। अच्छे तरीके से ऐड कर लूंगी। देखिए हर जुमेरात को मैं दाल चावल फली और बघारा खाना बना के मैं 11 आदमी को तकसीम करती हूँ, इसलिए हर जुमेरात को मैं ये बनाती हूँ आइटम, आप लोगों को शेयर करूँ। इसको भी अच्छा गलने के लिए 2 सीटी लगा के रख देंगे।
सीटी अब निकाल लूँगी। अब मैं इसके अंदर देखिए कुकर का ढक्कन निकालने के बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड कर लूँगी। आलू को अच्छे से छिलका निकाल के धो के कट करके पानी में डाल के रखिए। अगर पानी में डाल के नहीं रखे तो आलू पूरे लाल हो जाते हैं। देखिए ढक्कन निकाल ली मैं। अच्छे से इसको भून के देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गए। फली अभी गलना था, देखिए 20% अभी नहीं गली, 80% गल गई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू के साथ 20% ऐसा भी वो भी गल जाती है। ये सूखी मेथी है, ये सूखी मेथी बहुत ज़बरदस्त रहती। देखिए ये बन ला के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मैं मिक्स कर दूँगी। आलू गलने के लिए पानी इसमें नहीं है, थोड़ा है और थोड़ा ऐड करके मैं एक सीटी लगा दूँगी। आलू गलने के लिए आधा ग्लास। देखिए सीटी हो गई, मैं इसको निकाल लूँगी। अब देखिए ढक्कन निकाल ली मैं अपनी। फली देखिए रेडी हो गई ज़बरदस्त बनके। अब मैं बनाऊंगी दाल चावल।